मतलब रोड देखो डेंजरस। अरे यार शिट, ऑफ रोडिंग। ओ माय गॉड, सब फंसे हुए हैं यार यहाँ पे, पता नहीं क्या हो गया है आगे। ये अपना सेटअप ओपन हो गया। चीयर्स। हेलो, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, आज हम निकल रहे हैं ओडिशा के लिए और अभी टाइम हुआ है 3:30। आपको दिखाता हूँ 3:20 नहीं, ये तो ख़राब है वैसे। ये देखिए टाइम क्या हुआ है, 4:17 संडे। ओके, अभी हम निकलेंगे। हमारे कैंपर वैन रेडी है, बेड वगैरह सेटअप हो चुका है। मैं तो ड्राइव करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी बेटी और बीवी आयरा मतलब वहाँ पे सो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सारे सामान पैक हो गए हैं और अभी मैं देख रहा था एक्चुअली हमारा टारगेट, मतलब देखते हैं अभी निकलते हैं कैसे कैसे जाता है, हम उसी हिसाब से आपको अपडेट देते रहेंगे। और चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। और उससे पहले आप वीडियो को कंप्लीट करो, एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है। आप सब्सक्राइब पहले कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आप फ्यूचर अपडेट्स मिस ना करें। और हम आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस, ओडिशा के ट्रिप्स, कैंपिंग और सब वीडियोस दिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड लेट्स गो टू ओडिशा। तिरुपति 100 किलोमीटर बाकी है। हम 5 बजे निकले थे, ऑलमोस्ट पहुंचने को है तिरुपति। और गूगल मैप के हिसाब से अभी विजयवाड़ा 4 बजे दिखा रहा है, बट देखते हैं कहां तक खींच पाते हैं हम। ओके, अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, चितूर के आसपास है हम अभी। और ये देखो पीछे माँ बेटी एकदम आराम से सो रहे हैं, मुझे तो नींद नहीं आती है वैसे भी। तो हम ड्राइव कर रहे हैं और ये दोनों आराम से सो रहे हैं। बारिश हो रही थी ना कि हम मतलब खाना वाना बनाने के लिए पेशेंस नहीं रहा, तो हमने ऑर्डर किया है। ये एक तिरुपति के पास एक ढाबा है, तो वहाँ पे पूरी डोसा सब ऑर्डर कर दिए। फिर हम मतलब आयरा के लिए इडली आ रहा है, अभी इडली खा के निकलेंगे अभी, क्योंकि अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना। ये देखिए व्यू, मतलब अच्छा तो व्यू लग रहा है, बट आप मतलब स्पीड कार नहीं चला पा रहे हैं तो थोड़ा धीरे से जा रहे हैं अभी। तो अभी खा के निकलेंगे फिर। मौसम देखो भाई, मस्त है वैसे। ढाबा के साइड एकदम रुके हुए हैं, खाना वाना खत्म हो गया, चलिए अब निकलते हैं। ओह माय गॉड, यार ड्राइव करने का मजा ही कुछ और है। ये देखो रोड तो एकदम मक्खन जैसा है, ऊपर से ये देखो व्यू, मतलब क्या ही बोले। जिन जिनको मतलब रोड ट्रैवल, रोड ट्रैवलिंग पसंद है ना, वो अगर ट्रैवल करते हैं और ऐसा व्यू मिल जाए तो और क्या बात है, मजा ही आ जाएगा। जो नेचर लग रही है, बंद है ये गूगल मैप, पता नहीं कौन सा रोड दिखा दिया यार। अभी देखते हैं निक्सन का पावर यहाँ पे चढ़ पाता है कि नहीं। सच में भाई यार ये क्या है क्या। अरे यार शिट, ऑफ रोडिंग। ओह माय गॉड, गाड़ी वाला मम्मा, जाओ। माय गॉड, क्या टाइम है पापा। गाइस यार व्यू देखो, व्यू रेनी डे नहीं, मतलब विंटर तो है वैसे, बट पता नहीं ये बारिश कहाँ से आ गई यार। मतलब रोड देखो डेंजरस,
बट ठीक है, आराम से धीरे धीरे चलेंगे। 30 की स्पीड मेंटेन कर रहे हैं अभी फिलहाल, बारिश में तो 30-40 के स्पीड में ही मतलब जा सकते हैं। अभी मौसम थोड़ा मतलब मस्त है वैसे। और ये देखिए विशाखापट्टनम 437, कोलकाता 1308। अभी फिलहाल यहाँ एक प्लेस है वैसे टाटा डेन करके, तो वहाँ पे रुके हुए हैं थोड़ा सा चाय पानी। देखिए यार क्या हाल बना रखा, मतलब देखो इसको, इतनी गंदगी भाई। ये वैसे क्या कर रही है यहाँ पे हमारी आयरा, क्या कर रही है मोबाइल? हाँ एकदम, ये देखो पूरा मस्त एकदम पीछे बैठ के खेल रही है, मोबाइल देख रही है, अभी कुछ ना कुछ करेगी। अभी हम लोग का चाय नाश्ता हो गया और अभी निकलेंगे बस। विजयवाड़ा तो हो गया, बट मैं ट्राई करूँगा कि राजमंड्री तक चला जाऊँ, क्योंकि विजयवाड़ा वैसे 50 किलोमीटर है बस, उससे भी कम है आई थिंक। और राजमंड्री में अगर स्टॉप करता हूँ तो क्या बेनिफिट है कि मैं कल उड़ीसा थोड़ा जल्दी पहुँच पाऊँगा, और उतना मतलब एक आज ज़्यादा खींच लूँगा और कल थोड़ा बहुत टायर्डनेस तो होगी, तो इसलिए मैनेज करना पड़ता है। तो इसलिए मैं कल मैक्सिमम मतलब टोटल 1300 किलोमीटर है, तो आज कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट 700, देन कल बाकी का कवर कर लेंगे। रात कहाँ पे रुकेंगे, कैसे हमारा कार्यक्रम होगा, तो उसके लिए आप कनेक्ट रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, वीडियो मतलब कम्प्लीटली एंड तक देखिए, कहाँ तक कहाँ कैसे प्लान होता है, आगे आगे बताते जाएंगे आपको। दिन भर इतनी तेज बारिश हो रही थी, अभी थोड़ा सा मौसम मस्त हुआ है। तो भुवनेश्वर 860 किलोमीटर। अब तक तो मस्त मतलब इतना स्मूथ रोड था, बट जैसे ही राजमंड्री के फ्लाईओवर एंटर करने वाले थे, पता नहीं इतना लंबा जाम फंसा हुआ हूँ अभी तक, सब फंसे हुए हैं यार यहाँ पे, पता नहीं क्या हो गया है आगे। ऑलमोस्ट अभी तो आधा घंटा हो गया है, अब देखते हैं, थक गए हैं वैसे भी, बट पता नहीं चल रहा क्या हुआ है आगे, जा भी नहीं सकते क्योंकि अगर ट्रैफिक खुल गया तो फिर भागना पड़ेगा, तो वेट करके देखते हैं। ओके कल रात तो वैसे बहुत लेट हो गए। ओके से हाय, लेट हो गया था, तो हम लोग यहाँ पे एक होटल पे रुके हुए हैं राजमंड्री के होटल में। एक जगह है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि आपको अगर आना हो तो डायरेक्टली इस होटल पे आ सकते हैं। 1200 रुपये लिए इन्होंने नॉन एसी, और एसी वाला 1700 रुपये, तो आप आके यहाँ पे डायरेक्टली रुक सकते हो अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो। और अभी हम लोग अभी टाइम 9:00 है, तो अभी निकल रहे हैं बस, और रास्ते में खाना वाना खाएंगे। हाँ और एक चीज, माउंटेन जी है, बिग माउंटेन। ओ भाई लेफ्ट या राइट एक ही चूज करो यार, सेंटर पे क्यों चल रहे हो सब, फॉलो द रूल्स। गॉड ब्लेस यू। ये भाई विशाखापट्टनम का रोड, ऑन द वे टू विशाखापट्टनम। अभी आई थिंक 100 किलोमीटर बाकी है, तो व्यू अच्छा है, बट काफ़ी गर्मी है। इवन ये सर्दी के मौसम में भी, दिसंबर में जनवरी में भी गर्मी है। अभी विशाखापट्टनम में मतलब हाईवे के साइड में एक जगह मिला हमें, तो वहाँ पे हम अपना कुकिंग वगैरह सब शुरू करने जा रहे हैं। तो क्योंकि आज मंडे है, बाहर भी नहीं खा सकते, मैं नहीं मतलब मेरी वाइफ वो नहीं खा सकती बाहर कहीं पे भी, तो फास्टिंग रहने से अच्छा है कि यहीं पे अपना कैंपर वैन में ही खाना वाना बनाते हैं। तो चलिए, क्या हाल है भाई, गाड़ी मतलब पूरे गंदगी। यहाँ पे वो आयरा सो रही थी, तो अपना मैंने निकाल के रखा है ये बैठने के लिए, बस ऐसे ही दोनों।
तो ये लॉक लगाया हुआ है, मैं बस दिखा देता हूँ जो जिन लोगों को पता नहीं है ऑलरेडी। तो ये रहा, ये घूम सकती है क्योंकि ये साइड का रोड है, मतलब वहाँ तक कोई एक्सेस नहीं है, तो ये सेफ है। ओए कम हियर, कम हियर। ये अपना सेटअप ओपन हो गया, चलिए शुरू करते। तो आज हम बनाएंगे वही नमकीन वाली खिचड़ी, बेस्ट, सबसे बेस्ट होता है वही। ये देखिए हम एक नेशनल हाईवे के साइड में ही रुके हुए हैं। आयरा क्या कर रही है, क्या कर रही है, खेल रही है। वाह, यहाँ पे हमारा कुकिंग होगा। वेजिटेबल्स कट हो गया है वैसे, और ये किचन रेडी। और यहाँ पे इसको बहुत तेज़ भूख लगी है, बट अभी इसको हमने मोबाइल दे दिया है क्योंकि थोड़ा सा क्रैंकी हो गई थी, तो इसे थोड़ा सा डाइवर्ट होके रहेगी। फिर फटाफट हम नमकीन वाले पुलाव बनाएंगे, पुलाव नहीं खिचड़ी बनाएंगे, बना के खा के फिर निकलेंगे। और 300 किलोमीटर बाकी है हमारा घर अभी फ़िलहाल, तो बस ये देखिए बहुत सही। हमें फिर पूरा सीनियर समझ नहीं, ये हो गया रेडी। एक और सिटी के बाद खत्म, हमारा पुलाव रेडी है। एक छोटा सा सेटअप, अगर आप अभी तक वीडियो देख चुके हो तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक हिट करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हम आगे नए नए वीडियोस लेके आएंगे और ट्रैवल ब्लॉग्स वगैरह सब लेके आएंगे। यार सपोर्ट प्लीज़ हमें करिए, हम नए नए यूट्यूबर बने हैं, तो आई होप आप लोगों को सब पसंद आया हो। अब हमारे घर 128 किलोमीटर बाकी है, बट आयरा को भूख लग गई थी और हमें भी थोड़ी सी थकान सी हो रही थी, तो इसलिए एक जगह पे रुक के चाय बना रहे हैं। अभी चाय पी के निकलेंगे आराम से, अभी निकलेंगे चाय पी के। चाय तो बन गई, ऑसम चाय बन गई भाई, बन गई। चाय पीने के बाद निकलते हैं, ये सब थोड़ा सा सेट अप जाके घर सीधा करेंगे। आप कुछ मतलब कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको बस अंदर करना है और निकलना है। ये देखो एक बेनिफिट इस पोर्टेबल स्टूल का, आराम से बैठ के। और एक भी है, पता नहीं ये क्यों ऐसे खाना खिला रही है। ओके चलो चाय पीते हैं और निकलते हैं फटाफट। ये लो चाय पियो। हाय फ्रेंड्स, चाय पी लो। Cheers. बस उड़ीसा पहुंच गए फाइनली, और हमारे घर यहाँ से 20 किलोमीटर बाकी है। बरमपुर हो गया अभी, बरमपुर से गंजाम बस जाना है मुझे, और बाकी आपको पता ही है रास्ते में कहाँ पे क्या दिक्कत हुई, कहाँ पे क्या मतलब बेनिफिट्स मिला हमें। हमारे कैंपर वैन में कुक करके खाए थे,
मतलब आपको आइडिया लग जाएगा कि बैंगलोर टू ओडिशा अपने फैमिली के साथ जा रहे हो तो फिर क्या क्या असुविधाएं होंगी। तो आई होप मैं कुछ हेल्प कर पाया आपको। बाकी रहा एक्सपेंसेस के बारे में, तो मैं घर जाके एडिटिंग करूंगा और आप लोगों को पूरे कंप्लीट फ्यूल एक्सपेंस और ये टोल एक्सपेंस के बारे में पूरा डिटेलिंग बताऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और आपको एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो तो देखते हो बट एक लाइक भी मार दो और सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज़। इससे क्या है कि हमें सपोर्ट मिलता है बस, और कुछ नहीं। आगे की वीडियो बनाने में थोड़ी सी हमें मोटिवेशन मिलता है बस। ठीक है, थैंक यू। वेलकम टू वेलकम क्यूटी आयरा।